तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं सॉर्टिंग, डेटा सॉर्ट कैसे करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि डेटा की सॉर्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है, मुझे मान लीजिए कि टॉप 50 का सेल चाहिए, ठीक है? ओके, टॉप 50 का सेल चाहिए मुझे मान लीजिए। तो अब टॉप एंड बॉटम का जो ये लगाएंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, उससे अच्छा जस्ट इसको फिल्टर कर, सॉर्ट कर लेंगे। कैसे सॉर्ट करेंगे? क्वांटिटी में कर्सर रखिए और यहाँ पे जस्ट सॉर्ट कर दीजिए ए टू जेड। ओके, जेड टू है, और यहाँ से आप 10 उठा लीजिए, आपका आ गया टॉपर। तो कहने मतलब है किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेटा को अरेंज करना, दैट्स व्हाई सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का यूज ऐसा नहीं कि डेटा सिक्वेंसली दिखेगा, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। टॉप 10 लेना है, टॉप बॉटम 10 लेना है, या फिर किसी टॉप 100 सिटी लेना है, इस तरह की चीज़ों के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो शॉर्ट के कुछ पर्टिकुलर नियम है, वो जान लेते हैं। जिससे आप जान लीजिए शॉर्ट अगर किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग करना हो, लेकिन उससे पहले जान लीजिए शॉर्ट करने से पहले डेटा सिलेक्ट करना है या नहीं। अगर आपके पास डेटा बिल्कुल ब्लैंक है, एक कोई पर्टिकुलर रो अगर ब्लैंक है, तो फिर आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन ना करेंगे तो ब्लैंक के ऊपर वाला पार्ट ही सिलेक्ट होगा। एक करेंट रीजन जो सिलेक्शन मेथड में पढ़ाया था, वो करेंट रीजन के अकॉर्डिंग चलता है। सो सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट है, अगर ब्लैंक है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, अब मान लीजिए मुझे किसी एक अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो आप नेम बलेक पे कर्सर रख दीजिए और फिर शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर दीजिए, आपका शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे नेम के अंदर सिटी को भी शॉर्ट करना है, क्योंकि जैसे सिटी देखिए यहाँ जयपुर जयपुर मिक्सअप आ रहा है ना, यहाँ पे इंडियन मिक्सअप आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अमर का सिटी एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो एक से ज़्यादा फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। तो मेन फील्ड हमारा नेम है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नहीं है तो कर लीजिए, फिर एड लेबल कीजिए, सेकेंडरी लेबल कीजिए, इसमें आप सिटी ले लीजिए और सी टू, यहाँ पे ए टू जेड आ गया। तो यहाँ देखिए अमर और देखिए जय, इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जो हम शॉर्ट करते हैं वहाँ पे हमारा केस सेंसिटिव होता है। जैसे यहाँ देखिए अमर है, तो यहाँ अमर कैपिटल में है ना सर, मिक्सअप है, मैं चाहता हूँ कि यह इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे कस्टम शॉर्ट, यहाँ ऑप्शन में हम केस सेंसिटिव ले लेंगे। ओके, अब देखिए जो कैप से मरता और नीचे एक जगह इकट्ठा हो गया। अब होता है कभी कभी हमें क्या होता है कि हम लोग जो डेटा चेक करते हैं, डेटा में कोई गड़बड़ी या डिफरेंट मिलता है, तो हम लोग जनरली उसको किसी कलर से हाईलाइट कर देते हैं। अब मान लीजिए ये सारे हाईलाइटेड कलर मुझे इकट्ठा एक जगह पर रखना है, इसके लिए शॉर्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ कस्टम शॉर्ट पे आएंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ क्वांटिटी लेते हैं, और यहाँ जो सेल वैल्यू आ रही है, इस सेल वैल्यू के जगह पे हम यहाँ पे सेल कलर लेंगे, और यहाँ से कलर लेंगे येलो, जो भी कलर लिस्ट होगा यहाँ दिख जाएगा, तो कलर चूज कर लीजिए, ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम रखना है वो सेलेक्ट कीजिए, दैन ओके। तो आपके जितने भी जो सेल्स में देखिए कलर है वो आपके सामने दिख जाए। इसी तरह से अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन दे रखा है आपने, या फॉन्ट कलर ले रखा है, तो आप कर सकते हैं। आइकन हो गया, तो मैं यहाँ ये दोबारा मुझे बता दो, ये कैसे आपने कर दिया एरो? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स बताया था ना आपको मैंने, बट वो मैंने ट्राई किया बट वो जम नहीं रहा था, आई वाज अबाउट आस्किंग दिस, बट ये आपका पहले सिलेक्शन कर लीजिए, एरिया सिलेक्ट कर लीजिए जिस नंबर्स में लगाना है। ओके, एंड उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, आइकन सेट पे जाइए, जो आइकन चाहिए उस पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हमारा नंबर भी रह जाएगा और ये आइकन भी आ जाएगा। जी हां जी। ओके, आपके डेटा को तीन कैटेगरी में, नहीं मुझे एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेट लगा रहा था मैं, उसमें ये फंक्शन देख के कि ये 2 महीने का स्टॉक है, तो नहीं कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप आइकन्स के साथ फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके ओके, ठीक है, उसका अलग तरीका है, आपको करना है तो तरीका अलग यूज करना पड़ेगा, ठीक है? ओके ओके।
बट वो पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना कि नहीं अलग सेम, इस सेम कॉलम में नहीं होगा, इसके बगल वाले कॉलम में होगा, हाँ समझे? हाँ मैं बताऊंगा आपको, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कराया ना तो मैंने, जब फॉर्मूला ओके कराऊंगा हाँ तो कराऊंगा उसको। ओके उसके बाद कस्टम, यहाँ पे मान लीजिए कि आइकन्स है तो आपको आइकन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, कस्टम शॉर्ट में आ जाए। यहाँ क्वांटिटी की जगह पे एमआरपी को सेलेक्ट करें, सेल्फ कलर के जगह पे यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन को सेलेक्ट करें, और यहाँ से आइकन को सेलेक्ट कीजिए जो आइकन आपको चाहिए, ऑन द टॉप ऑन द बॉटम देन आ गया। कॉलम कब होगी? जब आपके पास मंथ होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मंथ डाल दिया, तो यहाँ पे जैन 5 इस तरह से मंथ डाला हुआ है। अब मुझे इसमें जो है शॉर्ट करना, अगर आप इसको शॉर्ट कर देते हैं अल्फाबेटिक तो क्या होगा, अल्फाबेटिक शॉर्ट हो जाएगा, पहले अप्रैल आएगा फिर अगस्त आएगा। मैं चाहता हूँ कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, तो उसके लिए हम यहाँ करेंगे कस्टम शॉर्ट, और यहाँ मंथ के जगह ले लेंगे, सही रहेगा, ए टू जेड के जगह पे कस्टम लिस्ट, और फिर आपने उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लें, देन ओके। ओके आप बोलेंगे सर ये हुआ नहीं, शॉर्ट क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑप्शंस में के सेंसिटिव यूज कर रखा है, नहीं हाँ इसलिए, देन ओके। अब हो गया सर? हाँ इस तरह के शॉर्ट कर सकते हैं। इससे जरूरी नहीं है कि मंथ ही करें, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन से उसका डेटा टॉप पे रहे, बाद में बाकी का डेटा हो, तो आप यहाँ कस्टम लिस्ट पे जाएं और उस पर्टिकुलर पर्सन का लिस्ट आप क्रिएट करें, एंड ओके करें, फिर उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करें। आप देखिए उसी अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ। ये कस्टम लिस्ट मतलब ये पहले से भरा हुआ है या ये जो बना सामने बना सकते हैं, है? जैसे मान लीजिए कस्टम, यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम लेता हूँ, ठीक है ना, हाँ और कस्टम लिस्ट में मैंने पहले से बना रखा है, उसको सिलेक्ट कर लिया, देन ओके ओके। पहले से बना रखा है, हाँ देन ओके। ओके तो देखिए पूजा आया, मोहन आया, उसके सीक्वेंस में आप बोलोगे नहीं मुझे यहाँ पे सब जो है अपने हिसाब से सही है, मुझे आपका नहीं बना, बट अगर होगा आपने कस्टम लिस्ट बनाया नहीं तो कैसे सॉर्ट करें? तो उस कस्टम लिस्ट में जाए, न्यू लिस्ट दिख रहा है आपको, आप हाँ यहाँ बना ले, जैसे मुझे ये चाहिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मंथ को सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ आप अप्रैल मई इस तरह से लिखूंगा, ओके और फिर बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, समझ में आ गया आपको? हाँ ठीक है, डाउट इसमें नहीं, नहीं ठीक है ओके। अब अगला ऑप्शन आता है इसमें कि हमें शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना है, टॉप टू बॉटम नहीं, मैं अलग डेटा ही बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर डेटा को सिलेक्ट किया, ध्यान रखिएगा ये मंथ और जो आपका हेडिंग है ना, उस हेडिंग को सिलेक्ट मत कीजिएगा, कस्टम शॉर्ट। और कस्टम शॉर्ट में आते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शंस पे जाते हैं और शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे मैं रो 2 को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे नंबर अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, एंड ओके। आप यहाँ पे देखिए शॉर्ट कर सकते हैं, ओके ओके। अब ये तो हो गई सिंपल आपकी शॉर्टिंग, अब कुछ ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला मान लीजिए मुझे शॉर्ट करना है इसमें, शॉर्ट नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ कि मैं हर एक रो के बाद ब्लैंक रो चाहता हूँ। अब ऐसे मैनुअल करना तो मुश्किल हो जाएगा ना सर? राइट। तो हमने इस पे शॉर्टिंग की हेल्प ली, हमने क्या किया, एक ट्रिक्स बनाया, यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिया, सीरियल नंबर को कॉलम दे दिया और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दिया, और फिर इसी सीरियल नंबर को कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे कंसेप्ट समझिए,
जब सीरियल नंबर अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे तो नीचे वाला वन ऊपर जाएगा, और वन जो है सिर्फ अकेले नहीं जाता, पूरा का पूरा रो लेके जाता है। अब ये रो इस वन के नीचे आएगा और यहाँ पे इस तरह से एक ब्लैंक हो जाएगा, एक आपका डेटा हो जाएगा। जब इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो दोबारा बताइए सर। सर जब मैं शॉर्ट करूंगा, हमने क्या किया, वन यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दी, क्या एक नया कॉलम बना, बराबर बराबर। फिर जिससे सीरियल नंबर लिखा और इसी सीरियल नंबर को हमने रिपीट कर दिया नीचे, कर दिया। ओके। जब मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करूंगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो क्या होगा कि नीचे जो वन है ना सर, एक ऊपर वाले वन के नीचे आ जाएगा ना सर, बराबर। लेकिन वो जब भी आएगा सिंगल तो आएगा नहीं, वो पूरा रो लेके आएगा। और उसका रो यहाँ ब्लैंक है ना, बराबर। जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इस सीरियल नंबर को डिलीट कर दूंगा, तो एक ब्लैंक रो हो जाएगा ना। तो सेम कंसेप्ट का अपनाते हुए हम इसको यूज करते हैं, हम इसको डेटा को सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट में जाते हैं, सीरियल नंबर एंड यहाँ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गया सर। राइट। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है। अब ब्लैंक को हमने लाया, मेरे डेटा में ऐसे ब्लैंक बहुत सारे सेल्स हैं, मैं चाहता हूँ सारे ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना। तो बहुत सारे लोग फिल्टर लगाते हैं, फिर एक एक सेल को डिलीट करते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका पूरा सिस्टम हिल जाता है। उसके बाद डिलीट होने में पीछे का डेटा डिलीट होने के भी चांसेस होते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डिलीट करें ही ना, आप पहले डेटा को सेलेक्ट करें और फिर किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दो। जैसे मैं यहाँ आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया, डेटा शॉर्ट हो गया, और जो ब्लैंक सेल था इस डेटा के रिमूव नहीं हुआ, इस डेटा के नीचे आ गया सर। ओके। नीचे आ गया, इसमें से हमारे डिलीट हो गया ना सर। समझे नहीं? बट मुझे मुझे समझो शुरू के पांच सेल में लिखा हुआ है या कुछ ब्लैंक है और नीचे फिर उसका डेटा और है, तो मुझे सिर्फ पांच वाले जो ऊपर के करना है, तो क्या करें? जितना एरिया कलर करना उतना जो सिलेक्ट कीजिए। नहीं नहीं बट वो नीचे जाएगा, बट हमारा नीचे और डेटा है ना जो हमें ये नहीं करना है। जितना का आपको शॉर्ट करना है उतने एरिया को सिलेक्ट करें सिर्फ। नहीं अभी समझो ये जनवरी एक दो तीन के बीच में, यानी कि एक के बीच में ब्लैंक है, चार के बीच में ब्लैंक है, तो हमें वो हटाना है, बट नीचे तो मेरा डेटा है, तो वो किधर जाएगा ब्लैंक? हाँ, उसमें अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम लग हो रही है ना कि आपको नीचे ब्लैंक है, तो उसको अगर आप किसी एक के पीछे ऊपर शॉर्ट करते हैं, कोई आपका एक सिक्वेंसली है उसका अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दो, तो ब्लैंक नीचे चला जाएगा आपका, आपका बाकी डेटा जैसे तैसे रहेगा, हिलेगा नहीं। नहीं अभी आप तीन रो नंबर पाँच को ब्लैंक करिए। हाँ, रो नंबर तीन हो गया, मान लीजिए रो नंबर छः ब्लैंक हो गया, इस तरह से ब्लैंक है, ठीक है ना? अभी ये मुझे हटाना है। हाँ, अब इसको आपको हटाना है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए क्या होगा कि एक एक करके डिलीट करने के बजाय आपको लगा कि मुझे नीचे का डेटा का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिक्वेंस जैसा वैसा रहना चाहिए, तो आप जो है जहाँ से करना वहाँ से इसको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद कस्टम शॉर्ट में किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर दें, सारा ब्लैंक नीचे आ जाएगा, फिर आराम से इसको डिलीट कर दें। ओके। ठीक है। ओके। और दूसरा एक चीज़ और भी होता है, जैसे डेटा मेरा है और मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन हमें डर है कि मेरा जो सिक्वेंस अभी है, अभी इस सिक्वेंस मतलब कोई ऐसा सिक्वेंस नहीं है, ऐसे 1 2 3 आईडी है, भूल जाइए, कुछ भी मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, जैसा डेटा है वैसा होना चाहिए। हाँ। मैं सॉर्ट करके फिर वापस अनसॉर्ट कर। ओके। जैसे हम लोग फिल्टर करके फिल्टर क्लियर करते हैं ना, उस तरह सॉर्ट करके अनसॉर्ट कर। अब सॉर्ट से अनसॉर्ट करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सर, लेकिन अगर आपका ऐसा लगा तो आप एक सीरियल नंबर बना दीजिए एक्स्ट्रा कॉलम। ठीक है, एक सीरियल नंबर कॉलम बना दीजिए, फिर आप डेटा को जैसे मर्जी उसे सॉर्ट कीजिए, बाद में आपको वापस अनसॉर्ट करना है तो सीरियल नंबर अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लीजिए। समझ गए? या,
शॉर्ट से अनशॉर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगा तो आप सीरियल नंबर बना के पहले रख लीजिए। Okay. अब शॉर्ट करने के बाद सीरियल बनाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फिर। कंट्रोल जेड कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन जब तक फाइल ओपन है तभी तक ना, फाइल सेव करके क्लोज कर दिया, कल के डेट में आपको याद आया इसको शॉर्ट कर दिया तो मुझे वापस सही करना है, वो तो होगा नहीं, कंट्रोल जेड काम करेगा नहीं। पर सीरियल नंबर का कॉलम बना रखा है आपने, कभी भी शॉर्ट मार दें सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। ओके तो हमारी शॉर्टिंग की कंसेप्ट थी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं। अब फिल्टर की बात करें तो जनरली आप लोग फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर में कोई खास सीखने लायक चीज़ें है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार कवर कर देता हूँ। फिल्टर में सबसे पहले आप तीन तरह के फिल्टर होते हैं, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर और डेट फिल्टर। डिपेंड करता है कॉलर में क्या डेटा है, जैसे यहाँ पे है तो टेक्स्ट फिल्टर कहलाएगा, तो जो नाम है उस नाम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, वो जो जिस पे टिक होगा सेलेक्ट होगा। कंडीशंस यहाँ पे लगा सकते हैं कि इक्वल पर्टिकुलर नेम या उसके अलावा बिगेन विथ, अगर नाम पूरा याद नहीं है फर्स्ट नेम नाम याद है तो बिगेन विथ नहीं कर दीजिए। जैसे पूजा सिंह है, मुझे पता नहीं सिंह है कि कुमार है, हमने पूजा कर दिया बिगेन विथ, तो जो पूजा स्टार्टिंग में होगा उसको फिल्टर किया। एंड विथ लास्ट में होगा, कंटेन पूजा बीच में कहीं भी हो सकता है, कुमार पूजा सिंह, पूजा कुमार सिंह, बराबर वो बीच में या शुरू में एंड में किधर पे होती है, यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई और अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किया सेम चीज़ यहाँ भी है। ओके। उधर से नंबर फिल्टर पे बात करें तो नंबर फिल्टर पे आपके साथ जो नंबर फिल्टर आता है इसमें दो चीज़ें, फिल्टर बाई कलर, यहाँ फिल्टर बाई कलर भी कर सकते हैं, ठीक है? राइट। तो फिल्टर बाई कलर हो सकता है, इसके बाद आप यहाँ पे जो है अपने हिसाब से कंडीशन दे सकते हैं कि इक्वल डज नॉट इक्वल ग्रेटर देन अबव एवरेज बिलो एवरेज, आप यहाँ पे जो डालेंगे वो फिल्टर हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग के आइकन्स लगे हैं तो क्या आइकन्स के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं? तो फिल्टर बाई कलर में आएंगे आपके आइकन्स, ठीक है? जिस आइकन को सिलेक्ट करोगे आपका वही आइकन फिल्टर होगा, बाकी हिडन हो जाएगा। डेट पे आते हैं तो डेट पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आपको डेट ईयरली ग्रुप आएगा, ईयर में मंथ, मंथ के अंदर डे और डे के अंदर आवर मिनट सेकेंड अगर है तो। अगर डेट फिल्टर की बात करें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस हैं, जैसे पर्टिकुलर डेट करना है तो इक्वल किसी डेट से पहले करना है जो आप मैनुअली डालेंगे, या बाद में करना है, या दो डेट के बीच में डालना है, तो इन चारों पर आपको डेट डालना पड़ेगा, बाकी के नीचे जो है ऑटोमेटिक सिस्टम डेट से लेगा। ऐसे टुमारो कर दिया तो आज 10 अगस्त है तो 11 अगस्त का ले लेगा, टुडे आज का लेगा, स्टडे कल का लेगा, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर। अब यहाँ ईयर टू डेट YTD इसको बोलते हैं, ये 1 जनवरी 2021 से आज जिस दिन फिल्टर लगाते हो उस दिन की डेट तक। इसके अलावा अगर मल्टी ईयर का डेटा है, जैसे 2 साल 5 साल का डेटा है, तो ऑल डेट इन पीरियड, आपने क्वार्टर वन सेलेक्ट कर लिया, 3 साल का डेटा है तो तीनों साल का क्वार्टर वन लेगा। Okay. अगर आपने जनवरी सेलेक्ट कर लिया तो तीनों साल का जनवरी लेगा, ठीक Okay. है? Mm-hmm. बाकी फाइनेंस सेलेक्ट में कोई खास है नहीं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जब हम कहीं पर डेटा डालते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो बीच का डेटा मान लीजिए फिल्टर से हाइड हो गया, अब उसको जब हम कॉपी करते हैं अपने डेटा को तो पूरा डेटा फेस्ट होता है कभी कभी, तो उससे अच्छा है कि अगर आपको ऐसा लगा कि हाइड वाले को आप नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ विजुअल्स को लेना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करें और यहाँ गो टू फाइंड में गो टू स्पेशल है, सिलेक्ट करने के बाद और कॉपी करने से पहले यहाँ पर आए और विजुअल सेल्स ओनली को सिलेक्ट करें, ठीक है? ओके ओके। एंड ओके करें, फिर इसको कॉपी करके जहाँ पेश करना हो वहाँ पेश करें, आपका सिर्फ विजुअल आएगा, पीछे का डेटा नहीं आएगा। जब भी आप फिल्टर से डेटा उठाते हैं तो ये हैबिट रखें कि आप स्पेशल में जाके विजुअल सेल्स ओनली को सिलेक्ट कर लें। ओके ओके, क्लियर सर? क्लियर क्लियर क्लियर, नो डाउट? यस, नो डाउट। तो चलिए एक छोटी सी प्रोजेक्ट हम आपको करते हैं। ओके क्या है कि मेरे पास नेम है, यहाँ पे नेम ऑफ द लिस्ट है, और यहाँ पे हमने दे दिया है
डे, ऐसे 30-35 डेट है मान लीजिए ना, और यहाँ पे सेल्स के फिगर है। अब मुझे करना क्या है कि हर डे के बाद इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है टारगेट। ओके तो हमें करना है कि हर बार एक नई कॉलम ऐड करनी है, उसका परसेंटेज का हेडिंग देना है और फिर इसको डिवाइड बाय 70 करना है और फिर इसको परसेंटेज नीचे तक ड्रैग करना है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है एवरी डे। अब ऐसे मान लो 200-300 कॉलम्स है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना सर, बराबर के चांसेस भी हैं। तो इसको चलिए हम मेथड के थ्रू करते हैं शॉर्टकट के जरिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया कॉलम जो है यहाँ लेंगे, ठीक है। ओके सर माफ कीजिए, रो कॉलम में गलती बोल गया, रो लेंगे, उस रो को ड्रैग करेंगे सिक्वेंसली यहाँ ले करेंगे, फिर इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको रिपीट कर देंगे, फिर जो हेडिंग था परसेंटेज का या जो भी हेडिंग है वो हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, डाल दिए। ओके अब मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना, लेकिन हम मंथ को सिलेक्ट, डेट नेम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, देखो हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और हमने बताया था आपको कि हम लेफ्ट टू राइट भी शॉर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं बराबर। तो कस्टम शॉर्ट में जाएंगे, ऑप्शंस लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हर एक रो के बाद मुझे एक ब्लैंक मिला, कॉलम मिल गया, हेडिंग परसेंटेज डल गया और उसी हिसाब से फिक्स हो गया। अब अगला चैलेंज आता है कि इसमें डिवाइड करना, हर किसी को डिवाइड करना 70 से। तो यहाँ भी एक ट्रिक्स काम आएगा, हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, गो टू स्पेशल में जाते हैं, इसमें यहाँ पे होता है ब्लैंक्स, तो सिलेक्ट करके ओके किया तो जितना ब्लैंक्स था वो सिलेक्ट। अब एक नियम समझिए कि एक एरिया को सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी टाइप करके एंटर मारते हैं तो टाइप होता है, फिर नेक्स्ट सर्विस तरह से टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपने एंटर के जगह पे कंट्रोल एंटर मार दिया तो जितना सिलेक्टेड है सब पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ओके अब इसी फीचर्स को मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, हमने इक्वल प्रेस किया, इसको सिलेक्ट करके डिवाइड बाई 70 किया और नॉर्मल एंटर नहीं प्रेस किया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, कंट्रोल एंटर एंटर। ओके और उसके बाद हमने परसेंटेज का सैंपल दे दिया। ओके जो काम हमारा घंटों का लग रहा था वो कुछ सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया और 100% एक्यूरेसी के साथ। राइट अब इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए और मुझे एक चीज रिसर्च करके दीजिए। हमने आपको बताया कि हर एक रो के बाद हम एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हैं, बराबर, या हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। मुझे आप सर्च खोज के दीजिए कि मुझे हर 3 के बाद या 5 के बाद या 10 के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। ओके तो क्या उसका प्रोसीजर होगा, इसको रिसर्च कीजिए, ढूंढिए और फिर कल की क्लास में मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ठीक है तो आज इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम होम मेनू बार यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। तो एक बार होम मेनू बार के बाकी ऑप्शन को देख लीजिए, कुछ ऐसा ऑप्शन छूट गया हो मैंने बताया हो आपको पता करना हो जरूरी है तो मैं पढ़ा दूंगा, फिर इंसर्ट के पिवट टेबल में देंगे। ओके 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 बाय, गुड नाइट, बाय।